थाना क्षेत्र के महेशगंज निवासी विक्रम चालक संजय गुप्ता के चार बच्चों में सबसे छोटी बेटी 8 वर्षीय शिखा रविवार दोपहर घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच लखनऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उसे रौंद दिया। किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, तब तक उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने हादसा कर भाग रहे कार को चालक समेत पकड़ लिया। शनिवार की शाम लगभग 4 बजे अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पत्नी को लेने ससुराल जा रहे 20 वर्षीय फैजान पुत्र अब्बास निवासी पवारपुर थाना मानधाता महुआईमा थाना क्षेत्र के दुबाही नहर के पुल के पास पहुंचा था कि अचानक सामने से आ रही ट्रक ने अनियंत्रित होकर उसे रौंद दिया। फैजान की महुआईमा के गदाईपुर गाँव में ससुराल है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर के रहने वाले सेवानिवृत्त सिपाही गोपीनाथ मिश्र फाफामऊ स्टेशन रोड पर परिवार के साथ रहते हैं। उनका छोटा बेटा 35 वर्षीय सूरज मिश्र प्रॉपर्टी डीलर था। शनिवार रात करीब 9 बजे सूरज को थरवई निवासी लवकुश और आलोक घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद से सूरज का पता नहीं चला। रविवार सुबह फाफामऊ में विनीता हॉस्पिटल के पीछे झाड़ियों में सूरज की खून से लथपथ लाश मिली। उसके सिर पर गोली मारी गई थी। वहां पर शराब की बोतल, ग्लास, नमकीन और एक मोबाइल भी पड़ा था। पुलिस ने लवकुश और आलोक को गिरफ्तार कर लिया। सोराव पुलिस का कहना था कि लवकुश को 15 दिन पहले कुछ लोगों ने पीट दिया था। उसे शक था कि सूरज ने ही साजिश रची थी, इसी आधार पर उसने सूरज की हत्या कर दी। अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव की दिन दहाड़े नृशंस हत्या के खिलाफ चौतरफा आक्रोश उभर कर सामने आया है। उच्च न्यायालय के सामने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में धरना जारी है। अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव की हत्या फिलहाल रामबाग में संचालित होटल के मालिक द्वारा नाले पर किए गए कब्जे का विरोध करने के चलते होने की बात कही जा रही है। आरोपी होटल मालिक प्रदीप जायसवाल पर नगर निगम और ADA काफी मेहरबान रहे हैं। प्राधिकरण ने आवासीय क्षेत्र में संचालित हो रहे प्रदीप जायसवाल के होटल को नियम विरुद्ध ठहराते हुए 6 साल पहले नोटिस दिया था। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। नगर निगम ने भी नोटिस देकर संतोष कर लिया था। फिलहाल ADA के अधिकारी अब कह रहे हैं कि होटल सड़क चौड़ीकरण की गत में है, इसका टूटना तय है। माधव ज्ञान केंद्र की ज्योति मिश्रा नामक छात्रा शनिवार दोपहर यमुना पुल से नदी में कूद गई। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक वो बैग सहित नए पुल पर पहुंची और जब तक कोई समझ पाता तब तक बैग छोड़कर छलांग लगा दी। दोपहर में घटी इस घटना से हंगामा मच गया। छात्रा के बस्ते से उसका नाम पता मालूम कर परिजनों को खबर दी गई। परिजनों ने स्कूल में हाई स्कूल की एक शिक्षिका पर ज्योति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि हाई स्कूल की छात्रा ज्योति शिक्षिका की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी। इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित यूको बैंक की मुख्य शाखा में हुई करोड़ों की डकैती का पुलिस ने लगभग पर्दाफाश कर दिया है। वारदात के मुख्य सरगना हसन चिकना गिरोह के 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड से ट्रांजिट विमान पर लाए गए अकबर शेख, हामिद शेख और धनेश्वर कुशवाहा से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बैंक डकैती के राज उगल दिए। इसके बाद वारदात में शामिल अन्य डकैतों की तलाश में पुलिस टीम लग गई। अब तक करीब 10 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी है, लेकिन जेवरात पुलिस के हाथ नहीं लगा है। SSP नितिन तिवारी ने रविवार को यूको बैंक डकैती का खुलासा करते हुए बताया कि झारखंड का हसन चिकना साथियों के साथ 29 अप्रैल की रात यूको बैंक का 17 लॉकर काट कर करोड़ों के गहने उड़ा दिया था। बैंक के चेस्ट रूम में मिले गैस सिलेंडर और उपकरण से पुलिस को जांच में मदद मिली। पता चला कि जीरो रोड स्थित अतीक अहमद की दुकान ने गैस कटर, पाइप, नोजल, रेगुलेटर, प्लास, पेचकस आदि उपकरण खरीदे गए थे। दुकानदार ने कस्टमर से उनकी ID और मोबाइल नंबर लिया था। इसी क्लू से पुलिस डकैतों तक पहुंची। गांव के राजू पांडे कर्मा नैनी मार्ग पर बलापुर में ही छप्परनुमा मकान में 2 गुमटियां रखे हैं। गुमटी में पान, बिस्किट, नमकीन, साबुन आदि घरेलू सामान बिक्री के लिए रखा था। रविवार को रात 8 बजे वो दुकान बंद करके घर चले गए। आधी रात के बाद अचानक दुकान में आग की लपटें उठने लगी। आग पर काबू पाया जाता तब तक मकान के छप्पर सहित 1 गुमटी और उसमें रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में आधी रात रविवार को आंधी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले भी पड़े। कई जगह पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। तेज हवा के झोंकों में कईयों के छप्पर उड़ गए। बारिश के बाद तापमान में गिरावट के चलते उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली।
शनिवार को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की ओर से अधिवक्ता राजेश की हत्या के विरोध में सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास समर्थकों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए नारे लगाए। यमुना पुल के पास रविवार को एक महिला का शव मिला। करीब 55 वर्ष की बताई जा रही इस महिला का शव कई दिनों तक पानी में रहने की वजह से सड़ गया है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी।